हैं रात में और उनका रिपोर्ट थाना में जमा है। घटना की तो आप लोग को पता ही होगा, कल 5 बजे जानलेवा हमला दुमहान मोड़ पर हुआ है और बात छोटी सी थी लेकिन बात को राजनीतिक रूप ले लिया गया और आदमी का जब समस्या आगे बढ़ता देखते कि भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश संयोजक हूँ प्रदेश में और मेरे गाड़ी में झंडा को भी नोच रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष के लोग भी लग गए थे। तो बहुत ही दुखद घटना है और एक जनप्रतिनिधि के साथ जब इस तरह की घटना हो रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। मुझे बहुत ही दुखद और प्रशासन जो वहाँ की है बोध गया की बहुत ही लूज है। घटना 5 बजे हुई है लेकिन अपराधी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। करीब 50 की संख्या में अज्ञात व्यक्ति लोगों ने भी हमला किया है मुझ पर, मेरे ड्राइवर पर और मैनेजर पर और ये दुमहान मोड़ पर हुआ है और एक व्यक्ति से बातचीत हो रहा था, ये टाइगर नाम का एक लड़का है इलरा पंचायत से, उससे कुछ पैसा लिया था मेरे से एक साल पहले 1 लाख रुपए। तो अचानक से दिख गया हमको तो ऐसी बातचीत पैसा का हुआ लेकिन उतने बातचीत में वह अज्ञात लोगों को वहाँ पे बुला लिया और उन लोगों ने मिलकर 200-300 लोग मिलकर एक महिला पर हमला किया। सोचिए मैं अपना जान बचा के 1 किलोमीटर तक उनसे लड़ते रही, उनको बोली मेरे कि आप पीछे हटिए पीछे हटिए, वो लोग आगे बढ़ते गए यहाँ तक कि बोध गया जो गेट द्वार है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी था, बिहार पुलिस जो भी लगाए हैं उनको भी मदद मांगी तो मदद नहीं दिया ना। वो ताला से मुझे यहाँ पे मारा था, ताला लिया था हाथ में और बोर्ड था कि बाहर निकले तो आपको गोली से भी मार देंगे, 2 दिन का समय दिया है कि आपके आपको गोली से मुड़ा देंगे आपके मैनेजर को आपको। कौन लोग हैं? देखिए अपराधियों की पहचान तो मैं करती हूँ लेकिन थाना अभी अरेस्ट नहीं किया है, एक एक आदमी को पहचानती हूँ क्योंकि वहाँ की जिला पार्षद हूँ और मुझे बहुत दुख है कि किसके बहकावे में उन्होंने ये सब काम किया क्योंकि जहाँ इसमें ज़्यादातर क्या बोलूँ मैं विपक्ष में RJD के लोग हैं और चूँकि वहाँ पर जान रहे कि अभी तो जो लोकसभा चुनाव में वहाँ पे भारी हार हुई है तो देखिए हार जीत तो लगे रहती है चुनाव में, उसे एक पर्सनल आदमी पर आप नहीं गुस्सा उतार सकते हो है। अच्छा हम BJP के हैं, कल मान लीजिए विधानसभा चुनाव है, अब क्या मुद्दा है वहाँ के लोगों का क्या चाहते हैं मैं नहीं बता सकती लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के कारण ही घटना घटी है। आवेदन दिए हैं लेकिन वहाँ का प्रशासन भी बिका हुआ है, प्रशासन से हमको कोई लाभ नहीं मिला, चाहे वो CDPO रहें चाहे थाना प्रभारी रहें, एप्लीकेशन तो कोई भी दे देता है थाना में जाके, आप उसको रिस्पॉन्स दीजिएगा है, उसको प्रोटेक्शन दीजिएगा, उसके साथ एक महिला का मारपीट हो रहा है, हजारों गुंडा उसके पीछे लगा हुआ है, आप वहाँ पर बैठ के कलम चला रहे हो ऑफिस में, क्या मांग करते हैं? मैं देखिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार से भी मांग करूँगी, राज्य सरकार खुद देख रही है कि जनप्रतिनिधि के साथ क्या हो रहा है। हमारे जो ओनली ओन एक DM साहब हैं जो इस घटना से अवगत हैं और मुझे आश्वासन दिया है कि आपके साथ इंसाफ होगा और उन्होंने अंगरक्षक के लिए भी मुझे बोला है, अब देखिए क्या करते हैं, SSP भी बोले हैं करने के लिए और प्रशासन से मंत्री से यही मांग करूंगी कि जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा दीजिए तब उनको क्षेत्र में भेजिए, नहीं तो जिला परिषद का पद को समाप्त कर दिया जाए, मुखिया से ही रहने दीजिए, जिस पद से कोई लाभ नहीं है कोई जान देने के लिए नहीं जाएगा। अच्छा बोलो मेरे आवास में भी 15 लड़का अज्ञात लोग रात में पहुँचा है, बताइए CC कैमरा में है, तो आदमी अपना जान बचाएगा तब ना क्षेत्र में जाएगा, तो अब इससे क्या कर सकते, इसको प्रशासन और राज्य सरकार समझेगी। हम तो भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदेश में संयोजक हैं, अभी यहाँ के जो विजय जी जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी हैं उनको सूचना दी है, उन्होंने भी अभी मंत्रिमंडल चल रहा है, अभी विधानसभा में कुछ कार्यक्रम था, देखिए आगे क्या होगा, जो भी होगा अच्छे होगा मेरे लिए और मुझे विश्वास है कि इंसाफ होगा मेरे साथ। धन्यवाद।